got it. डीपी कमेटी, ओसी, लखीपुर थाना और सीओ वीडियो हमारे और आप सभी वीडीपी प्रेसिडेंट मेंबर्स जो भी यहाँ पर सभी लोग आए हैं, आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग आज काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट में लोग यहाँ पर आए हैं, सभी के सभी वीडीपीस दिख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, तो आप लोग दूर दूर से इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं, उस चीज़ के लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक यू सबसे पहले। और इसके बाद आप लोगों की सारी बात जो भी मैंने सुनी कि क्या इस तरह का इशू है कि टॉर्च लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ जो पेमेंट है 2 साल से पेंडिंग है, ये बातें आप लोगों की ठीक है। और इन बातों को भी मैं अपनी तरफ से ऊपर जो भी मैं किसको बोल सकता हूँ स्पीकर को और ऊपर मैं आप लोगों की ये बातें ऊपर पहुँचाऊंगा, ठीक है। जो भी आपका इक्विपमेंट्स है, टॉर्च लाइट है या जो भी रेनकोट है जो नहीं है, वो चीज़ आप लोगों को मिलनी चाहिए, उस चीज़ से तो आप लोग को ड्यूटी करने में हेल्प भी मिलता है, तो वो चीज़ जो है मैं अपनी तरफ से ऊपर जो भी है वो पहुँचाऊंगा। और लेकिन आप लोग को भी ये देखना है कि वीडीपी का काम जो है वो एक तरीके से पुलिस के ही आप हाथ हो, एक एक्सटेंशन हो पुलिस का, क्योंकि पुलिस हर गाँव में तो जा नहीं सकती। और मान लो मोती नगर है तो वो बहुत दूर है यहाँ से, तो वहाँ पर पुलिस गांव के अंदर हर घर में क्या हो रहा है वो तो वीडीपी और उनके मेंबर्स को ही पता हो सकता है, हम लोग को उतना डिटेल में नहीं पता हो सकता। तो उस चीज़ के लिए आप लोग जो हैं हम लोग के साथ टच में रहिए, आप लोग डायरेक्टली मेरे को या ओसी जो है उनको आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपनी बात हम लोग तक पहुँचा सकते हैं। इस एरिया में अभी ड्रग्स का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं लोग, कंजम्पशन उतना ज़्यादा नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर में भविष्य में ऐसा होता रहेगा ये चीज़ तो नहीं पता, ड्रग्स तो बढ़ ही रहे, तो कौन आदमी जो है गांव में ड्रग्स को अपने घर में रख के और सप्लाई कर रहा है, इस तरह का इलीगल धंधा कर रहा है, तो ये चीज़ आप लोग को नज़र रखनी है। और इस चीज़ पे आप लोग को हम लोग को टच में रह के बिना डर के आप डायरेक्टली मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग की नज़र में कोई है कि कोई अपने घर में कोई गांजा रख के बैठा है, कोई वो छोटा छोटा आपने देखा होगा इतना हीरोइन वाला वो होता है, डब्बी छोटी सी वाइल बोलते हैं उसको, तो अगर ऐसा कोई काम कर रहा है गांव में तो पता चल ही जाता है कि कौन कर रहा है, लेकिन हम तक हमें कैसे पता चलेगा, वो आपके जरिए पता चलेगा। तो आप लोग जो है इस चीज़ को कि भाई कौन इलीगल ड्रग्स से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहा है वो आप लोग डायरेक्टली मुझे ही बता सकते हैं, इसमें आप लोग का नाम नहीं आएगा जैसा कि उसी ने बोला, तो आप इस चीज़ में टेंशन मत लेना कि आप लोग का नाम पता चल जाएगा, आप लोग को पुलिस फिर गाँव में पूरा सबको फैल जाएगा कि इसने बताया है, तो आप लोग के रिलेशन खराब नहीं होंगे, आप लोग का नहीं पता चलेगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी कम्युनिटी रहती हैं, ठीक है, मार है, नागा है, कुकी है, मणिपुरी है, मुस्लिम भी हैं और आदिवासी हैं, तो हम लोग को पीसफुल तरीके से रहना है, किसी को आपस में उतना लड़ाई झगड़ा एक दूसरे के साथ उस तरीके का इश्यूज कम से कम रखना है। अगर हम लोग एक दूसरे से अपना अपना काम पे काम ध्यान देंगे और एक दूसरे से उतना लड़ाई वगैरह मन में वो नहीं रखना है, एक कम्युनिटी है, एक गाँव है, एक एरिया है, आपस में तरीके से रहना है। और अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोग कुछ मामले तो गांव के लेवल पे ही सुलझा सकते हैं, कुछ जो चीज़ नहीं सुलझेंगी वो आप हमें बता सकते हैं। तो मेनली कुछ भी चीज़ है, बाकी गांव की जो भी सुरक्षा, एक तरीके से आप लोग गांव के रक्षक हैं, तो आप लोग इस काम को पैसे के लिए नहीं कर रहे, पैसे मिल सरकार दे रही है 2500 रुपये, वो एक अलग बात है, पर आप लोग इस काम को अपनी खुद की इच्छा से ही कर रहे हैं और इस चीज़ में खुद अपने मन में एक प्राउड वाली बात भी है, खुद मन में रेस्पेक्ट भी है, गांव वाले लोग भी आपको एक रेस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं कि आप लोग एक इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, गांव की जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर है सुरक्षा की। तो सबको पहले सबको मेरी तरफ से नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं, सब लोग पिछले साल हम लोग सब साथ में मिलकर ड्यूटी की हम लोगों ने, तो इसमें जो आप लोग बात कर रहे हैं तो ये बात टालने लायक नहीं है कि ड्यूटी कर रहे हैं पर रेमुनरेशन या पॉकेट मनी जो है कुछ भी नहीं है, पर जो अभियोग है या फिर जो हम लोग के रिक्वायरमेंट्स है इसके अलावा हम लोग को साथ में काम भी करना पड़ेगा, ये हर डिपार्टमेंट में रहेगा, आप हर डिपार्टमेंट जाइए, हर डिपार्टमेंट के किसी का रिक्वायरमेंट और चाहिदा हर किसी का होता है, पर इसके अलावा सरकार से बात हो रही है, आप लोग की मीटिंग भी हो रहा है, तो ये हम लोग आशा करते हैं कि ये आपका सॉल्व हो जाए। पर जो गाँव जो है हमारा ये अपना घर है और मैं नहीं सोचता कि अपने घर को करने के लिए, अपने घर को देखने के लिए मुझे किसी को बोला, मुझे किसी किसी का
पॉकेट मनी मुझे देना पड़े। अगर मेरा घर है, अगर मेरा घर देने के लिए मैं बोलूंगा सरकार मुझे पैसा दे तब मैं घर देखूंगा, तो ये बात सुनने में भी कैसा कैसा लगता है। अभी अभी हमने नया शिफ्ट वीडियो जो ज्वाइन किया है, इनका भी हमेशा मैसेज आता है ग्रुप में, ताकि ड्यूटी करने के लिए सबको ये उत्साहित भी करता है। देखा हम लोग ड्यूटी कुछ आगे सब बहुत अच्छा हुआ है। अभी देखिए मणिपुर का जो स्टूडेंट है, ये थमने का हमेशा कुछ ना कुछ नहीं दे रहा है, तो ये हम लोग की तरह कुछ ऐसा ना हो, या फिर जो हमारे ब्रह्मपुत्र वैली में जो ऐसा है इंसिडेंट कुछ हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, जोरहाट में हुआ, तिनसुकिया वहाँ पे तिनसुकिया में हुआ, धुबड़ी में हुआ, तो ये सब भी देखना है कि हमारे यहाँ पे ऐसा घटना ना नहीं हो, ऐसा कोई बोल नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है, पर हम लोग अपने तरफ से अलर्ट रहना है। कुछ भी ऐसा कुछ आपको नोटिस मिले जो आपके नज़र में है वो मतलब गलत है या फिर कुछ सस्पेक्टेड है, वो हाथों खबर लीजिए, ठीक है ना। ये नहीं टाल, अगर टाल देंगे तो घटना घट जाएगी। किसी इन्फॉर्मेशन को आपने टाल दिया कि शायद कुछ नहीं हो सकता है, पर शायद वही हो जाए, तो अपने तरफ से किसी छोटा या बड़ा हो, जो भी इंसिडेंट हो उसको इन्फॉर्मेशन दीजिए। हमारे यूट्यूब आए हैं, अभी ग्रुप में है, कुछ ऐसा है नंबर ग्रुप में आ ही गया उनका, जब ग्रुप में है तो उनका नंबर तो ग्रुप में मेरा आज दिया है, वो नंबर सेव कर लीजिएगा। अगर मैं उपलब्ध हूँ सर को साथ शेयर कर दीजिए मैसेज को, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा हो आप हाथों हाथ बताइए हम लोग को, अगर आप लोग का रिस्क है कुछ भी है तो बस इन्फो हमें पास कर दिया, वो हम लोग देख लेंगे फिर। तो इसके अलावा जो आप लोग टॉर्च लाइट्स हो, ये जो है रिक्वायरमेंट्स है, आईकार छोड़ के लाठी बाटी तो घर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ी अभी मारपीट करेगा तो बात ये पे आता नहीं कि किसको मारपीट करना है, हम लोग को डिटेक्शन करना है या प्रिवेंशन करना है। अगर 25 आदमी है तो अगर 25 में तो कोई भी चोर हो जो भी हो 25 में तो नहीं आएंगे, 2 या 3 या 4 ज़्यादा 4। अगर 25 आदमी है तो 25 अगर हल्ला मचाएगा आपको तो ऐसे भी 50-100 खड़े हो जाएंगे, तो जो भी होगा वो तो एक गांव में अगर आता है अपने चोरी करने के, जो भी काम करने के लिए वो उस गांव का किसी और से आया हुआ है, तो उसके फर्स्ट में डर होगा कि कोई मुझे देख ना रहे, वो अपने आप को छुपा के वो काम करेगा, वो थोड़ी का बीडीपी के साथ देख ले बीडीपी से मारने चलाएगा, वो तो उतना साथ तो कहीं करेगा नहीं। कोई एक्सीडेंट हो कुछ ऐसा गाड़ी में हो तो वो अलग बात है, कोई गाड़ी में कुछ जा रहा है अपने रिक्वायरमेंट अपने सड़क पे उसको सिग्नल दिया दो आप तीन देखा तो मार तो शायद किया सकता है, वो मत कीजिएगा। अगर ऐसा कुछ हो तो बैरिकेड ऐसा हम लोग मास्क का बैरिकेड बना के रख दीजिएगा आपको ड्यूटी में, ठीक है ना। कोई गाड़ी चेक करना है हमारे जो आदमी जाता है रात को पेट्रोलिंग में हमें फोन करिए, वहाँ पेट्रोल अगर कुछ संदिग्ध गाड़ी मिलता है आप लोग को, कोई भी सस्पेक्टेड गाड़ी मिलता है तो हम लोग को बोलिए, हम आगे सर्च करेंगे उसको। अभी जैसे आपका ये छोटा मंडा बड़ा मंडा से मेरे बीडीपी ने खबर दिया था मुझे कुछ गाड़ी का, तो मैं वहाँ पे 2 दिन था, वहाँ पे साथ में ड्यूटी किया मैंने, पता कुछ मिला नहीं लोगों को, परेशान थे कुछ है, हो सकता है कि उस दिन ना हुआ हो, पर हो रहा है वो चीज़। मोतीनगर में भी आपका मोतीनगर हो चाहे ये जो ड्रग्स का जो प्रचलन है अभी तो 2 दिन से अभी कम पड़ा हुआ है, पर ड्रग्स ये तो है नहीं कि ड्रग्स पर बंद हो गया, ड्रग्स है। और गाँव के एरिया में जब आप वहाँ पर रह रहे हैं तो अब मेरे 100 घर में कौन सा आदमी कैसा कैरेक्टर का है वो मुझे पता है। अब मेरे थाना में तो मेरे थाना में कौन कौन स्टाफ को कैसा है नहीं है मैं बता पाऊंगा। अगर हमारे एसपी से पूछेंगे तो अब कौन सा उसी कैसा है, कौन थाना का इंचार्ज अंडर जो तो थाना आता है वो बता पाएंगे। तो मेरे घर के अंडर में कौन कौन घर आता है, वो आदमी कैसा कैरेक्टर का है, क्या करता सोशल अर्निंग क्या है वो मुझे पता है। तो आपको तो थोड़ी आपसे मैं नहीं बोला आप जाकर पकड़िए उसको, आप इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए हम लोग को, पकड़ने का हम लोग का है, आपका नाम सेफ रखना गुप्त रखना वो हम लोग का, वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा कुछ हो तो आप ये देख लीजिए कि हम एक बार करके देखिए, अगर आपका नाम निकलता है तो आप मुझे बोलिएगा, किसी का भी नाम इसमें अगर खबर आता है तो किसी का भी नाम निकट नहीं होगा, बस आपको हम वो इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। अब आते हैं 26 जनवरी का जो होने वाला है ये, ठीक है ना। तो पिछले साल तो हमने बहुत अच्छा ड्यूटी किया, बीडीपी सब ने अच्छा की ड्यूटी किया था, चाहे ब्रिज पे हो, लखीपुर ब्रिज हो, जो भी हो, अपना ये जो बिना कंदी हो, तो यहाँ पे बीडीपी मिलकर ड्यूटी किया, हर गांव में भी अच्छा ड्यूटी हुआ था, काफ़ी शांत उस समय तो कुछ भी इंसिडेंट रिपोर्टिंग भी नहीं हुआ, ना कोई चोरी का हुआ ना कुछ, तो वही दिखाता है कि जब आप लोग अलर्ट हैं साथ हैं तो कोई क्राइम भी नहीं है। तो आप सभी जानते हैं सभी पुराने लोग हमारे बीच उपस्थित हैं, हम लोग ड्यूटी करते हैं ताकि पीसफुली 26 जनवरी हमारे पब्लिक और सभी लोग सेलिब्रेट कर सके, गांव में शांति का माहौल बना रहे, इसीलिए हमारा बीडीपी का सेक्रेटरी लोग इतने ठंडे में भी रात को पूरा नाइट ड्यूटी करते हैं।
और मैं सभी वीडीपी सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ 26 जनवरी आप लोग तीन दिन तो पूरा होल नाइट हम लोग का ड्यूटी चलता है, जिसमें हम लोग का बोराक ब्रिज और चिरी ब्रिज में दो में मुख्य तरह वहाँ पे पूरा ड्यूटी करना पड़ता है। उसमें हम लोग दो तीन वीडीपी कमेटी को इन्वॉल्व करते हैं वहाँ पे, और बाकी जो कुछ वीडीपीस है बहुत सारे वीडीपीस में ड्यूटी थोड़ा स्लोली चल रहा है, उन लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि 26 जनवरी को आप लोग सबको निकलना है, अपना गांव को सुरक्षा करना है, क्योंकि वीडीपी के बारे में आप लोग जानते ही हैं 1949 में स्वर्गीय हरिनारायण बरुआ जी इस सोच के साथ किया था कि गाँव रक्षी वाहिनी, क्यों अपना गाँव को रक्षा करना है। हम लोग स्टेट बॉर्डर भी हमारा लखीपुर लगता है सामने जिरीबाम का साथ, तो इस हिसाब से हम लोग को बहुत सतर्क रहना चाहिए, कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी हमारा इस त्यौहार को टाइम में कुछ बाधा विघ्न ना आए, इसीलिए हम हर बीडीपी सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने गांव-गांव में पूरा प्रोटेक्शन 26 जनवरी तक पूरा धूमधाम से ड्यूटी करेंगे हम लोग खुशी से। गवर्नमेंट के तरफ से जो कुछ इक्विपमेंट का बात आया था, हम लोग जुलाई में मैं गुवाहाटी गया था डीजीपी सर के साथ भी मीटिंग में, हम लोग ऑल असम से सभी एडवाइजर गए थे, तो वहाँ पे भी ये आप लोग का डिमांड ऑलरेडी पहुँचाया गया है। वो लोग भी बोल रहे थे जितना जल्दी संभव हम लोग इसके लिए टेंडर करेंगे, टेंडर करने के बाद सामान अगर खरीद के वो हम लोग थाने थाने में सभी को भेजेंगे। और जोश रहना चाहिए, आदमी ज्यादा रहेगा तो बिना हथियार का भी आप सामना कर सकते हैं, बीडीपी का मुंह और डंडा ही काफी है चोरों के लिए, आप लोग 20-25 आदमी एक साथ निकलेंगे तो दो चोर ऐसे ही भाग जाएगा, तो ये सब चीज भी आपको देखना है। और ताकि जो वीडीपी का कहीं बदनाम ना हो, एक दो जगह पे कुछ ऐसा कोई घटना होता है तो बाकी सब जगह पे ये वीडीपी का ऊपर आ जाता है, तो गांव का रक्षा करने का दायित्व तो आप लोग को दिया हुआ है। वीडीपी जो है पुलिस का आंख और कान है, ठीक है, आप लोग गांव में जो देखेंगे जो खबर देंगे वो पुलिस यहां से बैठ के तो दूरबीन से गांव में नहीं देख सकता है, का जो सुनेंगे वो थाने में पहुंचाना है आपको, और गांव का सुरक्षा करना है। आप अगर वहां पे अच्छा काम करेंगे तो थाना में रहने वाले पुलिस को भी थोड़ा आराम मिलेगा, एसडीपीओ सर भी थोड़ा आराम से दूसरे केस में मूवमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग का ये ग्राम का जो छोटे मोटे घटना है ये सब हमको बीडीपी को देखना है। हम लोग बहुत खुश है, दो तीन महीना से ये पोस्ट वैकेंट था लखीपुर में, आप आए हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर को मदद करना हर बीजेपी का फर्ज है। कमिंग रिपब्लिक डे 26 जनवरी आ रहा है, इसमें भी हम लोग पूरा मदद करेंगे, अभी भी हम लोग मदद कर रहे हैं। हमारे यहाँ का जो सीओ वीडियो है प्रणब जी, वो भी गांव गांव में जाकर अपना अपना ड्यूटी बच्चे बीजेपी ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी वो देख रहे हैं, साथ में वशी सर हैं, एवरी टाइम रनिंग करते रहते हैं, इनसे मेरा मुलाकात भी हो जाता है गाँव में, कहते भी हैं गुंडी जी जरा सहायता करो, हम लोग करने के तैयार हो जाते हैं हर जगह। इसके अलावा सर आप कभी भी हमारे गांव में जाइएगा या बीडीपी क्षेत्र में जाइएगा, एवरी टाइम बीडीपी वॉलंटियर रेडी अपना काम करने के लिए, गांव को सुरक्षा करने के लिए। इसका अलावा सर जो ड्रग्स जो है, ड्रग्स के बारे में भी ये लोग टाइम टू टाइम अपना खबर में रहते हैं, जैसे गाँव का लड़के लोग बदमाश ना बने, गाँव का लड़के लोग कोई गलत लाइन में ना जाए, इसके बारे में पूरा ये लोग सजग रहते हैं सर, पूरा ध्यान में रखते हैं। और सर बीडीपी तो हम लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन सर क्या कहें आपको, दो साल हो गया सर 24 मंथ रनिंग नाउ, नॉट अ सिंगल पैसा फ्रॉम गवर्नमेंट, तो सर कृपया थोड़ा उसमें भी ध्यान दीजिएगा सर, जैसे आप लोग पॉकेट मनी जिसको हम लोग कहते हैं सर, वो भी थोड़ा बहुत मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा सर असम सरकार ये बीडीपी के साथ, पहले प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नायक थे, साथ में मेंबर लोग काम करते, अभी एक नया रूल किया है असम सरकार ने, जब 25 वॉलंटियर को नया से डाल दो प्लस इनका आधार प्लस इनका अकाउंट नंबर भी दे दो, ये भी हम लोग दिए हैं असम सरकार का निर्देश अनुसार, तो ये लोग भी इंतजार में है, काम करने के भी काम कर रहे हैं, पैसे की तरफ हम लोग नहीं जा रहे हैं सर, काम करने की तरफ जा रहे हैं, ये तो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। तो सर यही बात बोलकर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर हमारे बीडीपी को, और हम लोग भी पूरे तरह से सर ये गांव को रक्षा के लिए तैयार हैं सर, और हर टाइम हम लोग मदद करते रहेंगे आप लोग को, इतने तक बोलकर मैं अपना व्यक्ति में यही पर जो बीडीपी वॉलंटियर ड्यूटी दे रहे सर, ईमानदारी से दे रहे, मेहनत से दे रहे, लेकिन इसका इक्विपमेंट जो है हमारे पास ना कोई टॉर्च लाइट है,
ना कोई हथियार है, कोई बलम है, ना कोई रेनकोट है, ना कोई कोई बेस है, कुछ भी नहीं है सर। एक आई कार्ड है जो बुलंदियार का वो है, तो अगले चोर तो आएगा वो तो बंदोबस्त करके ही आएगा, उल्टा हमको तो पीट के ही चले जाएंगे सर। ये तो सर एपीपीओ सर सब नया आया है सर, आपसे रिक्वेस्ट है, आईपीएस सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, ये हमारा जो है प्रपोजल जो है थोड़ा सा ऊपर पहुंचना चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं है सर, एक जवान है वो तो बदमाश करके आएगा, तो कुछ नहीं है सर। ये सिर्फ जो ठंड के टाइम पर है, जो रात को 4 बजे तक 3 बजे तक रहता है वो कैसे कामता है, जो कुछ भी नहीं है सर हमारे पास। थोड़ा सा भी होता तो थोड़ा बहुत तो मदद हो जाता सरकार की तरफ से, पीडीपी की तरफ से। तो इतने बोल के मेरा धन्यवाद आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।